नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। इस वीडियो में हम लोग 8th क्लास की साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी बुक की साइंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप मतलब हुआ फसल, प्रोडक्शन उत्पादन, और मैनेज यानी कि फसल के उत्पादन को कैसे मैनेज करेंगे हम। ये हमें इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि हमारी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता हमारी बढ़े। जैसे पहले यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि 10,000 वर्ष पहले जो पीपल रहते थे वो नोमैडिक रहते थे। वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे और ज़्यादातर उनका भोजन पशुओं को या जानवरों को मारकर ही खाते थे, उन्हीं से अपना गुजारा करते थे। फिर समय के साथ वो लोग बढ़ते गए और फिर खेती करने लगे। तो खेती करने लगे तो खेती अब भी हो सकती है, लेकिन अब हमारी क्या हो गई है, पहले जनसंख्या कम हुआ करती थी तो खेती थोड़ी बहुत होती थी, तब भी उनका पेट मतलब भर जाता था और काफ़ी मतलब खाने को मिल जाता था। लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी काफ़ी बढ़ गई है, तो इस वजह से हमको उसको मैनेज करना है कि हमारा कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो ताकि सब लोगों को भोजन मिल सके। तो इस पैराग्राफ में यही दिया गया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि इसमें कैसे हम लोग बढ़ाएंगे अपना क्रॉप प्रोडक्शन और कैसे इसको मैनेज करेंगे। इसमें मेन टॉपिक डिस्कस करूँगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसको वीडियो में आप बीच में रोक कर देखिएगा, लास्ट में आपको काफ़ी चीज़ें बहुत कुछ जानने को मिलेगा और काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे इसमें पहला पैराग्राफ पैरावाइज हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। जैसे पहले पैराग्राफ में लिखा है, पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर। ये अंकल के हाउस गए थे, वहाँ पे उन्होंने, वो फार्मर हैं और उन्होंने वहाँ पे उनके टूल्स देखे थे जैसे खुरपी, सिकल, शावल, प्लग। तो इन चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन उस पैराग्राफ में जो रहेगा वो सब नहीं करेंगे, जो मेन पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी आर दिस टूल। इसको बूझो को जानना है कि कैसे इन टूल का इस्तेमाल होता है। अब देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में जैसे ये है, यहाँ से लेकर ये पूरा नीचे तक जो है, ऐसे पूरा पैराग्राफ डिस्कशन करेंगे। वी लर्नड अबाउट, यहाँ पे बताया गया है कि ऑर्गेनिज्म को सभी खाना चाहिए, जो जीव जंतु हैं उनको, पौधे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके, और एनिमल और ह्यूमन जो हैं वो प्लांट पर निर्भर रहते हैं खाने के लिए। और यहाँ पे बताया गया है कि हमें पता है कि फूड से हमें ऊर्जा मिलती है, और ये वेरियस फंक्शन, जो ऊर्जा मिलती है उससे हमारे वेरियस फंक्शन परफॉर्म होते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन। हम लोग जो है अपना खाना, ह्यूमन जो हैं खाना अपना प्लांट और एनिमल दोनों से पूरा करते हैं। अब ये बूझो सोच रहा है, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड। ये पूछ रहा है कि इतना मतलब इतनी पॉपुलेशन है, इसको हम लोग खाना कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। स्किप हो गया, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से हमको प्रोडक्शन भी क्रॉप की करनी है। अब इसके लिए हमको तीन चीज़ें बात मेन देखनी है, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। कि पहले पॉइंट में है जैसे रेगुलर प्रोडक्शन की हमको रेगुलर प्रोडक्शन करना है, उसको खेत को खुला, जो हमारे खेत कहते हैं जहाँ पे फसल उगाई जाती है उसको खाली नहीं छोड़ना है। दूसरा है प्रॉपर मैनेजमेंट, उसको प्रॉपर मैनेज करेंगे कि खाद वहाँ पे फर्टिलाइज़र और मैन्योर प्रॉपर डालें, और सीड जो है उसको अच्छे ढंग से डालें,
और डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा कि स्टोरेज कैसे की जाती है और कैसे सब लोगों तक जाएगा, ये मैंने डिस्कस आपके साथ कर लिया है। अब यहाँ पे है, देन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड ऑन एट प्लेस लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। जब पौधों को एक ही जगह पर लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है तो उसको हम लोग क्रॉप या फसल कहते हैं। अब जैसे गेहूं की खेती एक बड़े से खेत में या बड़े से एरिया में की जाएगी तो उसको हम लोग वीट क्रॉप कहेंगे। खेती तीन तरह की होती है, वेजिटेबल्स, सीरियल्स और फ्रूट की। इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। जैसे कहीं पे, जैसे हिमाचल की तरफ जो है, जम्मू की तरफ, उस तरफ हमारे सेब होते हैं, फ्रूट की खेती होती है। इसी तरह वेदर के हिसाब से अलग अलग जगह पर अलग अलग खेती होती है। अब यहाँ पे हमारा उस अलग अलग जगह के हिसाब से दो टाइप की फसल है। पहला है खरीफ, दूसरा है रबी, दोनों फसल हैं ये। द क्रॉप विच आर, ये जो है जो खरीफ की फसल है वो मेनली जून से सितंबर के बीच में होती है। इसमें होता क्या क्या है, जून से सितंबर के बीच में रहता है, इसमें होता क्या क्या है, पैडी, धान, मेज, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन और खरीफ क्रॉप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि खरीफ की फसल किसको कहते हैं और कौन से महीने में ये लगाई जाती है। खरीफ की फसल जून से सितंबर के बीच में लगाई जाती है। और दूसरा है रबी क्रॉप्स, ये कब लगाई जाती है, ये अक्टूबर से मार्च के बीच में इनकी अवधि रहती है लगाने और काटने की। ये जून और सितंबर के बीच में इनकी अवधि रहती है लगाने और काटने के लिए फसल जो है हमारी। अब रबी की क्रॉप्स में क्या क्या होता है, रबी क्रॉप्स में होता है वीट, ग्राम, पी, मस्टार्ड, सरसों और गेहूं हमारे यहाँ मुख्यतः उगाई जाती है उत्तर साइड में। नॉर्थ साइड में जो स्टेट हैं जैसे यूपी, बिहार में, वहाँ पे गर्मी में गेहूं और सरसों खासकर बोई जाती है। आगे देखते हैं, इसको याद करने का तरीका क्या है। जैसे खरीफ का खा पहले आ रहा है तो पहले आया तो जून पहले आता है और अक्टूबर बाद में, तो खा से पहले खा पहले आया और जनवरी फरवरी में जून पहले आया, इसलिए खा से खरीफ और जून पहले आया, पहले पहले दोनों आए, इसलिए याद करने का तरीका है, कन्फ्यूजन नहीं होगा, इस तरह मैं याद करता हूँ। और रबी लास्ट में रा बाद में आएगा और अक्टूबर भी मंथ में बाद में आता है, इसलिए ये रबी की क्रॉप्स है। इसके बीच में भी जैसे अब ये जून से सितंबर तक हो गया, उसके बाद अक्टूबर से मार्च तक हो गया, ये तो हो गया, लेकिन बीच में मार्च से जून का टाइम रहता है, उसमें भी पल्सिस उगाई जाती हैं इस चैप्टर में, लेकिन उसको डिस्कस नहीं किया गया तो हम लोग भी डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन वैसे जान लीजिए कि मार्च से जून के बीच में ऑलमोस्ट पल्सिस जो हैं हमारी उगाई जाती हैं। अब आगे डिस्कशन करते हैं हम लोग। अब ये पूछ रहे हैं बूझो कि पैडी जो धान है वो विंटर सीजन में क्यों नहीं लगाया जाता है। अब ये आंसर दे रही हैं कि जो धान है उसको बहुत पानी चाहिए, इसलिए वो रेनी सीजन में, बरसात के ही सीजन में, यानी कि जून से सितंबर के बीच में ही लगाई जाती है। अब इसको हम डिस्कशन करते हैं कि मेन जो हमारा फसल तैयार करने के लिए, उसके लिए हमको क्या क्या करना रहता है। अब जैसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की मिट्टी को तैयार करना। दूसरा पॉइंट है सोइंग मतलब बोना उसका बीज बोना। तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, जो मैन्योर मतलब खाद, फर्टिलाइज़र मतलब उर्वरक। मैन्योर फर्टिलाइज़र के आगे डिफरेंस भी है, डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। चौथा है इरीगेशन मतलब सिंचाई। पाँचवा है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स,
वीड्स मतलब खरपतवार जो रहते हैं, फालतू अनवांटेड फसल जो रहेगी, अनवांटेड क्रॉप्स, उसको हम लोग बीज से निकालते हैं, उसको वीड्स कहते हैं। सिक्स्थ में है हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट मतलब फसल की कटाई, और सातवां है लास्ट में स्टोरेज की, कैसे हम लोग इसको प्रॉपर वे में स्टोर करेंगे। अब पहला पॉइंट है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सोइल। इसमें आपने पहले सुना होगा कि हल से खेती करते थे, लेकिन अब ये पुराना मेथड हो गया, अब लोग सब ट्रैक्टर से खेती करते हैं। अब इसमें होता क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल में क्या क्या होता है वो देखिए। लास्ट में आपको ये बहुत सी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी, काफ़ी लास्ट में क्लियर हो जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर बीच में आपको कुछ मतलब बोरिंग फील हो रहा है तो आधा बीच आज देख लीजिए, आधा कल में देखिएगा, तो प्रॉपर वे में समझ में आएगा। वैसे इसमें बोरिंग कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है, ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल सब में सबने देखा रहता है, इसलिए ये बोरिंग फील नहीं होगा। अगर मान लो किसी को बोरिंग होगा तो आधा आज देखिएगा, आधा कल देखिएगा वीडियो को। चलिए अब इसके डिस्कशन करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोइल, प्रिपरेशन ऑफ सोइल में क्या रहता है कि जैसे सोइल को लूजन किया जाता है, जैसे उसमें काफ़ी बड़े बड़े पत्थर, जैसे अगर हम लोग उसको करेंगे तो पत्थर जैसा मतलब हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लम्प्स कहते हैं। तो उसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, किसकी सहायता से, पहले हल से तोड़ते थे, अब तो ट्रैक्टर से ही तोड़ते हैं। ये हो किस लिए करते हैं, इसको मिट्टी को छोटा छोटा किया जाता है किस लिए, ताकि प्रॉपर वे में हमारी फसल उगे और जो फसल की जड़ें हैं नीचे तक अच्छी तरह से जाएं, नहीं तो पत्थर पत्थर जैसा बना रहेगा मिट्टी का, जिसको यूपी में ढेला टाइप का कहते हैं, ढेला बना रहेगा तो उस पर फसल सही से नहीं उगेगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये मेन पॉइंट है, द लूज सॉइल ऑलवेज द रूट टू ब्रीथ ईजली, जो है मिट्टी को ब्रीथ करने में आसानी मिलती है, क्योंकि मिट्टी में भी काफ़ी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे अर्थवर्म, केंचुआ जो रहता है, और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जो कि क्वेश्चन एक आता है कि किसान का मित्र किसको कहा जाता है, तो अर्थवर्म को ही किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि जो है ये फसल भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायता करता है। तो अगर इसको छोटा छोटा नहीं होगा तो ये लोग वहाँ पे जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए इसको छोटा छोटा किया जाता है। कि इसमें अब जैसे लिखा गया है, यू हैव लर्नड इन दिस प्रीवियस क्लासेस दैट सोइल कंटेन्स मिनरल वाटर एयर सम एयर लिविंग, और इसमें मिट्टी में जो रहता है मिनरल और वाटर रहते हैं, जो कि केंचुए के द्वारा ही इसको, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसमें, वो क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे फालतू की जैसे क्रॉप्स बच जाती हैं, जैसे भूसा या पैरा वगैरह उसमें रह जाता है, तो उसको सड़ाने का काम करते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट, उसके बाद ये छोटा छोटा उसको कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं न्यूट्रिएंट में, तो वो न्यूट्रिएंट जो है प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और ये सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सपोर्ट, कुछ ही सेंटीमीटर पर जो हमारी फसल उगती है, तो इसलिए ज़्यादा इसको हम लोग नीचे तक नहीं छोटा करते हैं, ये इसमें बताया गया है। और जो लूजन हो जाती है तो जो इसकी जड़ें रहती हैं वो आसानी अंदर तक जा पाती हैं, और जड़ें अगर नीचे तक रहेंगी तभी वो अपना नीचे से अपना न्यूट्रिएंट खींच लेंगी जो मिट्टी का है। आगे इसमें बताया गया है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग, जो हम लोग इसको
लूज मिट्टी को, सॉइल को लूज कर रहे हैं, उसी को क्रिया को टिलिंग या प्लगिंग कहते हैं। अब ये प्लग मतलब होता है हल। हल इसमें बताया गया है कि मेड ऑफ वुड और आयरन, या तो लकड़ी का, पहले लकड़ी का रहता था, अब लेकिन आयरन का यूज़ करते हैं। पहली बात तो ये है कि अब हल कोई नहीं चलाता है, अब लोग ट्रैक्टर से ही जुताई करते हैं। तो वही बताया गया है कि पहले लकड़ी का रहता था, अब आयरन का आने लगा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स कहते हैं उसको। इसको नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्प्स, इसको क्रम्प्स को, ढीला को तोड़ना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर और लेवल भी फील्ड का रहता है, नहीं तो लेवल जैसे एक, जैसे हमारा खेत है, खेत में एक तरफ ऊंचा है एक तरफ नीचा रहेगा, तो पानी उसमें प्रॉपर वे में सप्लाई नहीं हो पाएगा। जो ऊंचा रहेगा वहाँ पे पानी नहीं टिकेगा, और जो नीचे की ज़मीन रहेगी वहाँ पे पानी भर जाएगा। ज़्यादा उस तरफ पानी भरेगा तो वो सड़ने लगेगी हमारी क्रॉप, और जहाँ पे ऊंचा है वो वहाँ पे पानी नहीं होगा तो वो सूखने लगेगी। तो इसलिए इसमें बताया गया है कि हम लोग इसको लेवल भी, लेवलिंग भी करते हैं। लेवल मतलब बराबर करते हैं, पूरा जो हमारा फील्ड या खेत रहता है इसको पूरा बराबर भी करते हैं, ताकि यहाँ पे अच्छे से बीज हमारा उगे। यही इस पैराग्राफ में डिस्कशन किया गया है। और कुछ लोग जो है वो खेत को जोतवाने से पहले, टिलिंग प्लगिंग करवाने से पहले ट्रैक्टर की सहायता से उसमें मैनुअर खाद डाल देते हैं, खाद और उर्वरक दोनों डाल देते हैं, ताकि प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए। अब यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट कैसे हुआ कि जैसे पहले हम लोग इम्प्लीमेंट हुआ है हमारे यहाँ कि पहले हल से जोतते थे, हो से, और अब हम लोग कल्टीवेटर यानी ट्रैक्टर से जोतते हैं। प्लग और हो पुराना तरीका है, हो तो अभी भी इस्तेमाल किया जाता है, छोटा छोटा मतलब खेत रहता है जिनका, उनके लिए भी इस्तेमाल होता है उनके यहाँ, लेकिन जिनका बड़ा रहता है खेत वो ट्रैक्टर से या कल्टीवेटर से ही जोतवाते हैं। अब देखिए प्लगिंग का पहला रहता है कि जैसे इसमें, ये सभी ने देखा होगा, जो यूपी के हैं उन्होंने तो खास करके लगभग देखा या सुना ज़रूर होगा कि इस तरह बैल, दो बैल रहते थे, उन्हीं की सहायता से ये जोता जाता था। इसको जो है, ये जो है यहाँ पे लगा दिया जाता था, ये बीच में जैसे लगा हुआ बांध दिया जाता था, और ये ज़मीन पे रख दिया जाता था, और इसको रख देते थे तो बैल आगे की तरफ बढ़ते थे, तो ये मिट्टी को खोदते हुए जाता था। अब इसका बीम है, ये शाफ्ट है, ये आप लोग देख लीजिएगा क्या है इसमें। ये डिस्कशन करने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये अब पुराना टूल है, अब कोई इसको यूज़ नहीं करता है। इसको आप लोग रिमेम्बर सिर्फ कर लीजिएगा क्या है क्या नहीं, बस। स्किप हो रहा हो जा रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखिए अब यहाँ पे पहले हमने डिस्कशन किया था कि प्लगिंग कैसे हो रही है, अब इधर है हो के बारे में। अभी इस प्लगिंग में यही सब बताया गया है कि जैसे जो मैंने बताया है वही, कि पेयर ऑफ बुल जो रहते हैं वो कैमल भी ले सकते हैं, इसको जोतने के लिए काम लिया जाता है, इसी के बारे में। एंड पे शाफ्ट रहती है, इसी के बारे में डिस्कशन है कि बीम है, और बुल की नेक पे रखा जाता था वो। ये सब आप लोगों को होप करता हूँ कि समझ आ गया होगा। ये एक बार फिर से देख लीजिए, ये दो बैल रहते थे, और जो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है इसको, आगे का ये हिस्सा, आगे का जो ये हिस्सा है इसको बैल के बीचों बीच में रख दिया जाता था, और ये हिस्सा, ये हिस्से से नीचे ज़मीन पर रख दिया जाता था। तो बैल जब आगे बढ़ता था तो जोतते हुए खेत को जाता था, मिट्टी को छोटे छोटे टुकड़े हो जाते थे। अब दूसरा हमारा जो है उसके बारे में देखते हैं। दूसरा है हो।
वो है छोटे खेत के लिए, जैसे यूपी में उसको कुदाल कहते हैं, कुदार। वो छोटा, जिनके पास छोटा खेत है, छोटी खेती के लिए वो इस्तेमाल होता था, होता है, अब भी होता है छोटे, जिनके पास कम खेत है। ये है हो का फिगर है ये। ये थोड़ा टेक्निकल फिगर दे दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ जो हो रहती है वो कुछ इस प्रकार से नहीं रहती, कुछ दूसरे टाइप की रहती है, जैसे कुछ इस प्रकार से रहती है, इस प्रकार से यहाँ से ऐसे ऐसे मारा जाता है, और ये पकड़ने के लिए रहता है, यहाँ पे आदमी पकड़ता है, कुछ इस प्रकार की रहती है। लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल है, ये दूसरी कंट्री का हो सकता है, वो हमारे यहाँ इस तरह का नहीं होता। जो हमारे यहाँ रहता है कुछ इस प्रकार का रहता है, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है ऐसे करके, ये लोहे का रहता है, और ये जो हमारा रहता है ये पकड़ने के लिए रहता है, हाथ से कुछ इस प्रकार का रहता है हो, कुदाल। अब तीसरा जो है हमारा वो है कल्टीवेटर। अब नाउ डेज ये हमारा ट्रैक्टर से ड्रिवन किया जाता है, इसी को हम लोग कल्टीवेटर कहते हैं, ये जो लगा है, और यूपी में फार कहते हैं इसको, ट्रैक्टर का, ट्रैक्टर की मदद से ये अब जल्दी हो जाता है। ये फ़ायदा नुकसान इसका हम लोग डिस्कशन आगे करेंगे, क्या फ़ायदा रहता है। पहले जैसे उसमें क्या होता था कि पैसा कम लगते था, लेकिन चीपर रहता था, वो चीपर रहता था, और जो है लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता था उसमें करने में, और ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन हमारा जल्दी हो जाता है। ठीक है, यही इसका फ़ायदा और नुकसान है। दूसरा पॉइंट है हमारा सोइंग। सोइंग मतलब क्या होता है, उगाना या बोना, किसी चीज़ को बोना, फसल को। आशा करता हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा, जो नहीं अगर समझ में आया तो कमेंट में एक बार कमेंट लिखिए कि आया है या नहीं समझ में आया है। दूसरा पॉइंट है हमारा सोइंग। सोइंग हम इम्पोर्टेंट है किस लिए, क्योंकि सोइंग जो रहता है फसल को बीजना कहते हैं, तो सीड इसमें मेन रहता है। अब सीड का हमें कैसे पता लगेगा कि अच्छा है ये ख़राब है, चलिए इसको देखते हैं। इन्होंने क्या किया था, जो ये पहेली है, वन डे आई सॉ माई मदर पुट ग्राम सीड, चने, मतलब इन्होंने एक किसी बाल्टी या कुछ में किसी में डाला गया, अगर वो चना ऊपर ऊपर उठ जाता है, तैरने लगता है, तो वो यानी कि सीड हमारा ख़राब रहता है, जो नीचे है वो अच्छा रहता है, यही इसमें बताया गया है। देखिए, आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट, फ्लोट मतलब तैरने लगा, जो तैरने लगा है यानी कि वो हमारा डिफेक्टेड जो है सीड है, अगर तैरने लगेगा, अगर वो डूब गया है उसमें पानी में, तो वो अच्छा हमारे लिए सीड है, यही इसमें डिस्कशन हुआ है, यही इसमें बताया गया है, इस वाले पैराग्राफ में ये सब यही बताया गया है इसी के बारे में। पहले अब ये इसमें भी दो होता था, पहले कैसे खेती करते थे और अब। पहले ये देखिए जैसे क्या कर रहे हैं, ये बैल का तो बता ही दिया था, और ये लोग यहाँ पे कुछ इस प्रकार, ये जो है ये लिया हुआ है, ये बीच में, ये देखिए ये जो बीच में लिया गया है, इसी में बीज डाल देते थे और जोतते जाते थे, और बीज जो है हमारा वो बिखरता जाता था, ये है ट्रेडिशनल मेथड है हमारा। आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब क्या है, अब ये फार है हमारा ट्रैक्टर के साथ ये बंधा रहता है, तो बीज इसी पे डाल दिया जाता है, उसके बाद पहले ही बीज डाल दिया जाता है, उसके बाद जोत दिया जाता है खेत को, तो प्रॉपर मिक्स हो जाता है, ये समझ में आ गया होगा। ये इसी पैराग्राफ में यही लिखा है कि नाउ डे सीड्स पहले डाल दिया जाता है, और ट्रैक्टर की सहायता से इसको इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ में हो जाता है। अब आगे यहाँ पे लिखा गया है,
देयर इज़ ए नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड लिटल प्लांट वर कैप्ट स्मॉल बैग्स, वाई दे आर कैप्ट लाइक दिस। यहाँ पे भी जैसे मैंने डिस्कशन किया था कि डाल दिया जाता है, लेकिन कुछ क्या करते हैं कि जैसे गेहूं को तो बोया जाता है, और जो जैसे पैडी या धान रहता है उसको हम लोग पहले उसको बीज को एक साथ बो जाते हैं, उसके बाद उसको मैन्युअली क्या है फील्ड में जो उसका वो तैयार हो जाता है क्रॉप्स, उसको मैन्युअली प्लेस करते हैं। जैसे यूपी के तो जानते होंगे जिसको कहते हैं धान का लगाना, पहले उसको पनीरी या बेरन कहते हैं, तैयार की जाती है बेरन या पनीरी, उसके बाद उसको उखाड़ कर खेत में लगाई जाती है। वो धान, यहाँ पे धान की बात मैं कर रहा हूँ, और ये मैन्युअली की जाती है यूपी में। यूपी के जो लोग हैं उनको ये ऑलमोस्ट सबको पता होगा। अब इसमें लास्ट पॉइंट, लास्ट नहीं फिफ्थ पॉइंट है हमारा, एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्यूअर मतलब खाद, फर्टिलाइज़र मतलब उर्वरक। अब यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि उनको सीड को हेल्थी या फसल को हेल्थी रखने के लिए मैन्यूअर और फर्टिलाइज़र डाला जाता है, ताकि हमारी खेती अच्छी हो जाए, क्योंकि जो है मिट्टी में कम उपजाऊ रह जाती है फसल, क्योंकि न्यूट्रिएंट खींच लेती है फसल उगाने के बाद, मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट रहता है वो फसल हमारी खींच लेती है, इसलिए मैन्यूअर और फर्टिलाइज़र डाला जाता है। यही लिखा गया है इसमें, सॉइल सप्लाइज, ये इसमें सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू क्रॉप प्लांट। यहाँ पे न्यूट्रिएंट के लिए हमें मैन्यूअर और वो डाला, फर्टिलाइज़र डाला जाता है। यही में दिया गया है कि मैन्यूअर के बारे में। और अब देख लीजिए इसमें, इस पैराग्राफ में मैन्यूअर क्या होता है, इस पैराग्राफ में मैन्यूअर, मैन्यूअर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेंड फ्रॉम डिस्कम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। खाद जिसको कहते हैं, खाद जो है वो काऊ की डंग या बफेलो गाय या भैंस के गोबर को इकट्ठा एक जगह कर दिया जाता है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाता है, उसी को हम लोग खेत में डालते हैं, उसी को मैन्यूअर कहते हैं। और जो फर्टिलाइज़र है, ये आगे लिखा गया वर्मी कंपोस्ट के बारे में हम लोग सिक्स क्लास में पढ़ा गया है। तो आगे जो है फर्टिलाइज़र के बारे में जान लीजिए कि फर्टिलाइज़र क्या होता है। फर्टिलाइज़र होता है वो फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, यानी कि मैन मेड द्वारा तैयार किया जाता है, उसको फर्टिलाइज़र कहते हैं, उर्वरक कहते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी एक परफॉर्म की गई है, इन्होंने क्या किया हुआ है, इसमें तीन गिलास या बकेट या कुछ भी ले लीजिए आप, उसमें मिट्टी डाल के तीन सीड उगाइए, उसको नाम दे दीजिए ए बी सी, जैसे इन्होंने दिया है, इन्होंने गिलास ले लिया हुआ है, गिलास ए बी सी, उसमें अपना सीड उगाया है, एक में इन्होंने फर्टिलाइज़र डाला है, एक में मैन्यूअर डाला है, एक में कुछ भी नहीं डाला है। अगर एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आप देखेंगे तो जिसमें तो मैन्यूअर पड़ा है वो थोड़ा, जो जिसमें कुछ भी नहीं पड़ा है, ना ही मैन्यूअर और फर्टिलाइज़र, वो पौधा सूख जाएगा, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। और जिसमें खाद या मैन्यूअर पड़ी है वो थोड़ा सा उगेगा, और जो जिसमें फर्टिलाइज़र पड़ा है वो काफ़ी ग्रोथ कर लेगा। यही इसमें डिस्कशन किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फर्टिलाइज़र, अभी यहाँ पे दिया गया है फर्टिलाइज़र के बारे में। यहाँ से फर्टिलाइज़र कैमर विचार रिच पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइज़र में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रहते हैं। अब ये पूछा गया है कि कैसे डिफरेंट रहते हैं, तो मैंने बता ही दिया, ये फर्टिलाइज़र मैनमेड द्वारा तैयार किया जाता है केमिकल की सहायता से, और जो मैन्यूअर है उसको गाय के या भैंस के गोबर से तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे सम फर्टिलाइज़र के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अमोनिया सल्फेट,
एनपीके ये मुख्यतः हमारे यहाँ यूज़ किए जाते हैं। यूरिया मुख्य यूज़ किया जाता है, यूरिया खाद, यूरिया खाद जिसको कहते हैं, ये मुख्यतः यूज़ किया जाता है। ये इसलिए यूज़ होता है क्योंकि बार बार एक ही फसल उगाने से उसका जो न्यूट्रिएंट है वो फसल ले लेती है, तो उसको फिर से ज़रूरत पड़ती है न्यूट्रिएंट को, तो इसीलिए मैन्यूअर और फर्टिलाइज़र दोनों डाला जाता है बेस्ट रिजल्ट के लिए। और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसमें दिखाया गया है क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि जैसे एक बार, जैसे मान लीजिए ये एक खेत है, इसमें एक रो में हमने गेहूं बो दिया, दूसरी रो में सरसों बो दिया यहाँ पे, और दूसरे ईयर में हम लोग क्या कर देंगे, इसमें इस वाले में सरसों कर देंगे, इस वाले में गेहूं, तो हमारा रोटेशन हो गया। कि जैसे मान लीजिए गेहूं नाइट्रोजन ज़्यादा ले रहा होगा तो ये दूसरे साल इधर की साइड से ले लेगा और यहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यहाँ पे फिर हम सरसों लगा देंगे तो ये मान लीजिए फास्फोरस ले होगा, तो इस तरह ये बैलेंस हो जाएगा, इसी को क्रॉप रोटेशन कहते हैं। और भी रहता है कि जैसे यूपी में रहता है कि गेहूं और सरसों एक साथ बोई जाती है, कई लोग क्या करते हैं कि जैसे उनका दो खेत रहता है तो एक में एक साल गेहूं बो देते हैं और दूसरे में सरसों, फिर दूसरे साल उसको बदल देते हैं, जिसमें गेहूं बोया था उसमें सरसों बो देते हैं और जिसमें सरसों थी उसमें गेहूं, या तो क्या करते हैं कि दोनों को एक साथ बो देते हैं, क्योंकि एक साथ बोने से जैसे फसल रहती है, जैसे ये खेत है, फसल रहती है जो एक यहाँ पे मान लीजिए गेहूं का बीज है, यहाँ पे सरसों का, तो ये खेत में एक साथ ही रहेंगे अगल बगल, तो ये मिट्टी को हम जोतते समय ये मिट्टी इधर उधर हो सकती है, इधर उधर होने की वजह से जो हमारा है न्यूट्रिएंट रिप्लेस हो जाता है, इसलिए एक साथ बोया जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो ये क्रॉप प्रोडक्शन आपके 9th क्लास में है, वहाँ पे बहुत अच्छे तरह से समझाया गया है, 9th क्लास में आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रीवियस 7th क्लास में जैसे हमने क्या किया, देखा था कि ये राइजोबियम नामक बैक्टीरिया है जो कि जो हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन है उसको लेकर सोयल के लिए बदलता है, यानी कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में रहती है उसको एटमॉस्फेयर से लेकर मिट्टी को दे देता है या मिट्टी के न्यूट्रिएंट के लिए बदल देता है, यही हमारा राइबोजियम बैक्टीरिया है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और उसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति बनाए रखता है। अब यहाँ पे दिया गया है फर्टिलाइज़र और मैन्यूअर में क्या अंतर है, जैसे ये मैन्यूअर मतलब क्या होता है, खाद, खाद जो है, फर्टिलाइज़र मतलब उर्वरक, उर्वरक उर्वरक वाह है ये उर्वरक, ये का है उर्वरक, इसको आप 9th क्लास में या सर्च कर लीजिएगा फर्टिलाइज़र और मैन्यूअर। अब देखिए पहला पॉइंट, फर्टिलाइज़र मैन मेड इन ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है, मैन मेड द्वारा बनाया जाता है, ये मैन्यूअर फर्टिलाइज़र है, और मैन्यूअर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है, डिकम्पोजिशन का होता है कैटल डंग का, जीव जंतुओं के और प्लांट के रेजिडुओ जो फालतू के वेस्ट रहते हैं जैसे पत्तियां वगैरह, उनसे बनता है ये मैन्यूअर। दूसरा पॉइंट है फर्टिलाइज़र में, ये फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, ये खेत में ही गड्ढा खोद के उसमें डंग डालते रहते हैं एक साल तक, उस वही डिकम्पोज होकर हमारा मैन्यूअर बन जाता है। तीसरा है ये फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल, ये सॉइल को कोई ह्यूमस प्रदान नहीं करते हैं, और इसमें ये लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं मैन्यूअर में।
चौथा है फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन। जो है फर्टिलाइज़र में मैंने पहले ही बताया था कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम रिच रहते हैं फर्टिलाइज़र में, और मैन्यूर में जो रहता है वो कम रहता है। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इसका फर्टिलाइज़र का डिसएडवांटेज और मैन्यूर का एडवांटेज है। तो पहला है कि जो मैन्यूर रहता है वो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा आ जाती है, और दूसरा है इट मेक सॉइल पर पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज, जो गोबर पड़ता है उसकी वजह से बीच में जगह बच जाती है, तो इस वजह से गैसों का एक्सचेंज होता रहता है। और जो खाद रहती है गाय का गोबर पड़ने से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा पनपते हैं, और जो है सॉइल का उपजाऊपन बनाते हैं ज़्यादा। लेकिन न्यूट्रिएंट जो है वो मुख्यतः मेन रूप से फर्टिलाइज़र से ही मिलता है। फर्टिलाइज़र अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो पहला तो वाटर पोल्यूशन करता है फर्टिलाइज़र, और उसका जो लगातार कंटिन्यू उपयोग करने से, यूज़ करने से काफ़ी जो है जो ज़मीन रहती है वो मतलब उपजाऊपन जो रहता है वो कम हो जाता है उसका, ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने से। हमारा आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। देखिए आगे है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब बताया था सिंचाई। अब इसमें भी डिस्कशन है कि पहले कैसे करते थे और अब कैसे करते हैं। अब सिंचाई किस लिए क्यों ज़रूरी है ये जान लीजिए। जैसे 6th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि खाना हम लोग पौधे जो हैं कैसे बनाते हैं, तो उसमें प्लांट कैसे बनाते हैं, तो सन रहता है, क्लोरोफिल हरे पत्तों में रहता है, और वाटर वो लोग जड़ों से ऊपर लेते हैं, और CO2 की प्रेजेंस में ये लोग खाना बनाते हैं। तो ये प्लांट की बात हो रही थी, इसमें भी लगभग सेम यही होता है, सनलाइट इसमें भी पड़नी चाहिए और नीचे से ये लोग अपना वाटर और मिनरल जड़ों से खींचते हैं, तो इसी वजह से इसको इरिगेशन की थोड़े थोड़े समय के बाद इसको सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो नीचे से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। इस वाले पैराग्राफ में यही दिया गया है। ये सूखने से फसल को बचाती है। अगर मान लो उसको नीचे से पानी नहीं दिया जाएगा, सिंचाई नहीं की जाएगी, तो वो फसल हमारी सूख जाएगी। यही इसमें दिखाया है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। ये मेन पॉइंट है कि रेगुलर इंटरवल में फसल को पानी देना, उसी को हम लोग सिंचाई कहते हैं। समर सीजन में ये ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और सर्दी में पानी की कम ज़रूरत रहती है। अब आगे है सोर्स ऑफ इरिगेशन, क्या हमारे सोर्स सिंचाई के साधन। पहला है वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, ये जो है ये सब हमारे सिंचाई के साधन हैं। आगे ये ट्रेडिशनल मेथड देखिए कि कैसे कैसे होता था। ये सब या तो मैन के द्वारा होता था या तो कैटल की सहायता या जीव जानवरों की सहायता से होता था। पहले इसमें मोट है, दूसरा है चेन पंप, तीसरा इसमें दिया गया ढेकली, चौथा है राहत। इसी फिगर में हम लोग इसको मोट को समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है। ये तो सिंपली है, कुआं है, कुएं से बाल्टी पर रस्सी बांधकर कुएं में डाली गई और ये फिर पानी उड़ेल रहा है किसान, ये स्पष्ट हो रहा होगा। ये है मोट है, पुली सिस्टम कहते हैं जिसको, पुली है, पुली पे रस्सी है और ये खींच लिया पानी अंदर बाल्टी डुबोकर फिर निकाल के सिंचाई सींच दिया जाता है। दूसरा है चेन सिस्टम, चेन सिस्टम में बाल्टी को बांध दिया जाता है, ये सेम उसी की तरह ही होती है पुली सिस्टम की तरह, लेकिन उसमें
चेन रहती है। तीसरा ये है ढेकली। ढेकली में क्या किया जाता है कि एक इस साइड जो है ये वजन बांध दिया गया है और इस साइड बाल्टी को लटका दिया गया है। जब ये हम लोग इसको वजन को हटा देंगे तो ये बाल्टी जो है हमारी नीचे चली जाएगी। उसके बाद फिर इसको वजन को डाल दिया जाएगा इसको ऊपर, तो ये बाल्टी ऊपर आ जाएगी। इसी तरह पानी, फिर ये आदमी खड़ा है, ये पकड़ के बाल्टी डाल देगा और उड़ेलता रहेगा। इसी तरह बार बार ये रिपीट होता रहेगा। यह है ढेकली। अब तीसरा देखिए, चौथा जो है उसको देखिए, क्षमा चाहता हूँ, ये चौथा है राहत लीवर सिस्टम। यहाँ पे देखिए, एक मतलब लकड़ी का ये गोल चक्कर सा है, ये देखिए ये गोल गोल, इस पर बकेट बांध दी जाती है, बकेट बांध दी जाती है और ये लीवर सिस्टम कनेक्ट रहता है। ये जब बैल घूमता है तो वो घूमता है और पानी बाहर गिरता रहता है। जैसे कई मूवी में ना आप लोगों ने इस तरह देखा होगा, ये घूम रहा है। ये चौथा हो गया हमारा राहत, राहत जो है चौथा हो गया है। अब आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे मॉडर्न में अब क्या यूज़ होता है, ये समझ में आ गया होगा राहत जो है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये मैन्युअली हो रहा है, ये भी मैन्युअली होता है, ये भी लोड की सहायता से, पत्थर की सहायता से किया जाता है, और ये बैल के द्वारा किया जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न में अब यानी कैसे हो रही है सिंचाई, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। यहाँ पे क्या किया जाता है, पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या किया होता है कि कुएं से मोटर के द्वारा पानी खींचा गया, ये देखिए यहाँ से मोटर से पानी खींचा गया, उसके बाद ये ऐसे एक पाइप बिछाई रहती है, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है, खेतों में ऐसे ऐसे पानी ऐसे ऐसे चला जाता है इस तरफ। ये है स्प्रिंकलर मेथड। दूसरा है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या किया जाता है, नहीं स्प्रिंकलर में देखिए थोड़ा उल्टा हो गया है। स्प्रिंकलर में क्या रहता है कि ये बीच बीच में फुहारा टाइप का लगा रहता है, जैसे यहाँ पे लगा है, ये लगा है, ये तो ये जब पानी यहाँ से सप्लाई होती है पाइप में, तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगा रहता है, तो पानी ऐसे ऐसे बिखेरता है स्प्रिंकलर जो है चारों तरफ। देखा होगा आपने, जैसे फुहारा कहते हैं जो बाथरूम में हम लोग लिखा रहता है शावर, कुछ इस टाइप का रहता है पानी आते हुए, ऐसे ऐसे बिखेरता है वो, तो चारों तरफ पानी हो जाता है। ये स्प्रिंकलर सिस्टम है। दूसरा है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में इस तरह होता है कि यहाँ पे पानी लिया, उसके बाद ये सप्लाई कर दिया गया, ये सीधा जड़ों तक जाता है पानी। और उस वाले में क्या था कि पहले पत्तों पर पड़ता था, पत्तों से होकर फिर नीचे पड़ता था, लेकिन इस वाले में ड्रिप सिस्टम में सीधा जड़ों में पानी जाता है। इसलिए ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कम है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो रीजन है जहाँ पे पानी की कमी रहती है वहाँ पे यूज़ किया जाता है ड्रिप सिस्टम। अब आगे देखिए, आगे है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स मतलब होता है खरपतवार, यानी कि अनवांटेड जो है, जैसे घास वगैरह कुछ खेत में उग जाती है तो उसे हम लोग अनडिज़ायरेबल प्लांट कहते हैं, उन्हीं को वीड कहते हैं। जैसे यहाँ पे है, इन फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलोंग विद क्रॉप, दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड। इसी को हम लोग खरपतवार कहते हैं हिंदी में, इसी को रिमूवल को, इसी को निकालने को वीडिंग कहते हैं। इसके भी दो मेथड होते हैं, पहला एक होता है मैन्युअली निकाला जाता है, दूसरा केमिकल स्प्रे किया जाता है। ये इस पैराग्राफ में
यही डिस्कशन किया गया है कि फार्मर अडॉप्ट मैनी वे टू रिमूव वीड्स। पहले अब भी जैसे हमारा कम एरिया रहता है, कम खेती रहती है, तो हम लोग मैनुअल निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है हेल्प ऑफ खुरपी, खुरपी की सहायता से निकाल लिया जाता है। और दूसरा क्या है, दूसरा मेथड है वेडिसाइड। जैसे पेस्टिसाइड कीड़े मकोड़ों के लिए होता है, वैसे केमिकल जो यूज़ किया जाता है खरपतवार के लिए, उसको वेडिसाइड्स कहते हैं। ये आशा करता हूँ ये समझ में आ गया। इसमें वेडिसाइड मैनुअली कैसे होता है, जैसे जहाँ पे उगा हुआ है उसको वेडिसाइड, एक तो रहता है कि जैसे पहले निकाला जाता है, या तो जब जुताई होती है हमारी तो उसी समय उसको काफ़ी खेत को अच्छे से जोत दिया जाता है ताकि वो सूख जाए, अपने आप सूख जाते हैं। और अगर फसल के बीच में हो गया, जब जैसे हमने फसल बोई हुई है उसके बीच में हो गया है, तो उसको हम लोग मैनुअली खुरपी से निकालते हैं। अगर खुरपी से ज़्यादा एरिया है हमारा, तो हम लोग उसमें वेडिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे ये यहाँ पे स्प्रे आदमी कर रहे हैं, आदमी किसान आदमी या जो भी कहना है कर रहे हैं। इसमें क्या क्या, पहले इन्होंने माउथ पे अपने वो कपड़ा या जो बांधा हुआ है इसको बांधना है, यही इसमें बताया गया है कि हेल्थ स्प्रे मतलब ख़राब हो सकती है। ये इस पैराग्राफ में इसी के बारे में डिस्कशन किया गया है कि क्लोथ आप बांध लीजिए केमिकल को स्प्रे करते समय। आशा करता हूँ ये वेडिसाइड्स आपको पता लग गया होगा। अगला ये है हमारा है अगला पॉइंट हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई। क्रॉप जब पक जाती है, दो तीन तीन या चार महीने में धान गेहूँ हमारा पक जाता है, तो उसको काटना, कटाई, उसकी कटाई होती है। वो किसान के लिए सबसे अच्छा पीरियड रहता है, उसमें उसको अपनी जो लागत है उसका मूल्य मिलना रहता है, इसी को हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब ये मैनुअली होती थी, अब भी यही होती है, और अभी ऑलमोस्ट लगभग होती है ये इसी से ही। और अब मशीन भी आ गई हैं, जैसे थ्रेशर, ये सब मशीन आ गई हैं मॉडर्न, इससे भी होती है। अब ये टूल है, इसको गांव में हसिया कहते हैं, सिकल इंग्लिश में कहते हैं इसको, इसी से होती है, इसी से काटा जाता है। और ये है थ्रेशिंग, ये मशीन है, मशीन सारा काट देती, कंबाइन जिसको कहते हैं, ये आई है धान गेहूं काटने के लिए। अब जैसे इससे काटा जाता था तो क्या होता था कि काट के उसको, उसके बाद जैसे एक बार इसको देखिए ढंग से, पहले एक बार जैसे ये हमारा पौधा रहता था, यहाँ पे हमारा रहता था पौधा, तो ये हमारा फल हम लोग काट लेते थे, यहाँ से नीचे से काटा जाता है, तो फल तो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसको हम लोग किसी बेंच पे या रख के पीटते हैं ताकि हमारा ये फल छूट जाए, निकल जाए फल, हमारा फल अलग हो जाए और ये जो ये पोर्शन है ये अलग हो जाए। तो इसके लिए हम लोग जब उसमें काफ़ी डस्ट वगैरह या काफ़ी चैफ कहते हैं उसको हो जाता है भूसा, तो उसको उसाना पड़ता है, उसी को विनोइंग कहते हैं। आगे इसमें है, ऐसे आगे डिस्कशन हम लोग करेंगे। ये है फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू सेपरेशन ग्रेन, मतलब दाना को चैफ बाय विनोइंग, चैफ मतलब भूसा, भूसे को निकालने के लिए विनोइंग का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने सिक्स क्लास में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे ये देखिए हार्वेस्ट फेस्टिवल, जब फसल पक जाती है तो कई स्टेट में जो है वो फेस्टिवल मनाए जाते हैं। जैसे ये मेन पॉइंट है, इसको देखिए, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, निबान्या, बिहू। ये पोंगल तो तमिलनाडु में मनाया जाता है, बैसाखी तो खासकर पंजाब और हरियाणा में मनाई जाती है, होली जो है
वो लगभग ऑलमोस्ट सब सभी के यहाँ मनाई जाती है, हर एक स्टेट में इंडिया के। और दिवाली भी हर एक स्टेट में। यहाँ होली के सीजन में क्या रहता है, गेहूँ हमारा पक जाता है और दिवाली में जो है वो धान जो है पक जाता है लगभग। बिहू जो है असम का है, निबान्या का मेरे को याद नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा निबान्या कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, अब लास्ट हमारा पॉइंट है, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर निबान्या कहाँ का फेस्टिवल है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। स्टोरेज आगे लास्ट पॉइंट है, स्टोरेज। सब कुछ हो गया, फसल हमारी काट ली गई है तो उसको कैसे स्टोर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ से काट के ला के सीधा हम लोग हमने स्टोर कर दी, उसको पहले धूप में सूरज की रोशनी में सुखाना रहता है ताकि उसमें मॉइस्चर ना रहे। अगर मॉइस्चर रहेगा तो उसमें फंगी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं जो कि हमारी फसल को, जो ग्रेन्स रहते हैं, दाने रहते हैं, उनको ख़राब कर देते हैं। इसलिए उनको सूरज की रोशनी में सुखाया जाता है पहले ग्रेन को, उसके बाद स्टोर किया जाता है। और भी चीज़ें रहती हैं कि जैसे हम जहाँ पे स्टोर करेंगे वहाँ पे चूहे ना आएँ और वहाँ पे मॉइस्चर या नमी ना हो, ये भी चीज़ें देखी जाती हैं कि ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ना हो। अगर मॉइस्चर रहेगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया और फंगी पनक जाएंगे। ये यहाँ पे दिखाएगा आई साई माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम के पत्ते उसमें ड्रम में डाल दिए जाते हैं, क्योंकि नीम के पत्तों से जो है वो हमारे वो जो है पई वगैरह नहीं पड़ती हैं, जो अनाज के वो रहते हैं, इंसेक्ट रहते हैं, वो उसमें ना पड़ें। अब ये है हमारा सिलोस फॉर, इसी में हमारा जो बड़ी बड़ी गोदाम रहती हैं, कंटेनर टाइप का रहता है, इसी में जो है ऐसे करके इसी में स्टोर किया जाता है हमारा दाना। और ये है गोदाम है, गनी बैग्स में ये जूट के बोरे रहते हैं, इसमें इस तरह से स्टोर किया जाता है। यही इसमें डिस्कशन किया गया है। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज़ डन इन सिलोज एंड ग्रेनरी। सिलोस ऊपर का फिगर है और ग्रेनरी ये है कि यहाँ पे सब कुछ देखा जाता है। और घर में स्टोर के लिए यहाँ पे बताया गया है कि उसमें जैसे सल्फास की गोली आती है, उसमें सल्फर रहता है तो वो इंसेक्ट को पनपने नहीं देता है, वो डाल दिया जाता है। और नीम के पत्ते कुछ लोग डालते हैं। अगर आप लोग किसान हैं तो नीचे कमेंट में बताइए कि आप लोग स्टोर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं या कैसे स्टोर करते हैं ताकि उसमें इंसेक्ट ना हो, पैदा ना हो। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, आशा करता हूँ आपको सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। अब ये हमारा है लास्ट में फूड और एनिमल का, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे ये टेबल आप लोग पूरा फिलअप करिएगा, मिल्क हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, काउ बफेलो और गोट से मिलता है। और भी इसमें कई चीज़ें हैं जो हम एनिमल से प्राप्त करते हैं, इसको पूरा आप लोग, जैसे मीट हो गया कहाँ कहाँ से मिलता है, फ़िश से क्या मिलता है, ये सब हमारे सोर्स हैं। इसी को हम लोग अभी एनिमल हस्बेंड्री को किसको कहते हैं, जानवरों को सही ढंग से पालना, उनको उनकी रख रखाव करना लार्ज स्केल पर, उसी को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। इस वाले पैराग्राफ में यही बताया गया है कि उनको शेल्टर प्रोवाइड करना और उनकी केयर करना, प्रॉपर उनको फूड देना लार्ज स्केल पर, उसी को एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। फिश इज़ ए गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कट लीवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ ए विटामिन डी रहता है उसके लीवर ऑयल से जो मिलता है। अब ये हैं कीवर्ड हैं, अब कीवर्ड आप लोग आपने अपने माइंड में याद करिए किसको क्या, एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर जो है खेती होती है कि कैसे होती है, मॉडर्न में अब खेती कहते हैं इसको। दूसरा है एनिमल
हस्बेंड्री, मैंने अभी बताया है कि जंतुओं को लार्ज स्केल पर बड़े पैमाने पर पालना, उनकी देखभाल करना, उसी को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। क्रॉप फसल होती है जो लार्ज स्केल पर एक ही फील्ड में की जाती है, उसको क्रॉप कहते हैं। फर्टिलाइज़र क्या होता है? उर्वरक जो कि फैक्ट्री में तैयार की जाती है केमिकल के द्वारा। ग्रेनरी से हमारा अनाज रहता है जहाँ पे स्टोर किया जाता है अनाज को। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई, फसल की कटाई। आगे है इरिगेशन, इरिगेशन फसलों को सींचना। खरीफ, खरीफ की फसल कौन कौन से महीने में काटी या बोई जाती है कमेंट में बताइए। चलिए बता देता हूँ, अक्टूबर से जून से जो है सितंबर तक रहती है। मैन्योर क्या होता है? खाद रहती है जो कि केमिकल के कैटल डंग रहती है, उसको खेत में डाल दिया जाता है, उसी की डिकम्पोज कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी को खाद कहते हैं। प्लग क्या होता है? हल होता है। रबी की फसल कब उगाई जाती है? रबी की फसल हमारी जैसे अक्टूबर से मार्च तक के बीच में काटी या बोई जाती है। सीड्स जो है बीज है, कमेंट में बताइए कि बीज अच्छी क्वालिटी का बीज कैसे पहचाना जाता है, मैंने डिस्कशन ऊपर किया हुआ है। आगे है सोइंग, सोइंग मतलब बोना। स्टोरेज, स्टोरेज कैसे किया जाता है, कैसे रख रखाव किया जाता है। आगे है थ्रेशिंग मतलब मड़ाई या कटाई, फसल की कैसे हो जाती है। वीड्स खरपतवार जो होता है। वेडिसाइड्स जो खरपतवार नाशक या केमिकल जो खरपतवार को नष्ट करता है। विनोइंग मतलब ओसाना, हवा की सहायता से ग्रेन को दाने को अलग करना और जो भूसा रहता है या खराफ रहता है उसको अलग करना, उसी को हम लोग विनोइंग कहते हैं। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।